दोस्तों नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है आप ही के चैनल उषा की किरण में। दोस्तों आज मैं आपके लिए जो रिव्यू लेकर के आया हूँ ये है फोर्स मोटर के तूफान की। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी रफ एंड टफ व्हीकल है ये, जो कि इंटीरियर में ट्रांसपोर्टेशन के रूप में ज़्यादा यूज किया जाता है। आज हम इस वीडियो के अंदर पूरे के पूरे इसके स्पेसिफिकेशन, प्राइस और माइलेज की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसके अंदर आपको फोर्स मोटर का 2.0 लीटर का CR यानी कि कॉमन रेल इंजन मिल जाता है, जो कि BS4 इंजन होता है। और इसके अंदर आपको जो इंजन मिलता है दोस्तों, वो लगभग 1947 सीसी का इंजन ये होता है। और इसके अंदर आपको 3 सिलेंडर इंजन का यूज किया गया है, जो कि मैक्सिमम जो पावर है वो जनरेट करता है 67 BHP का। साथ ही दोस्तों इससे हमें 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी मिल जाता है। और इस गाड़ी के अंदर दोस्तों आपको 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। और फ्यूल टैंक की कैपेसिटी जो मिलती है वो लगभग आपको 63.5 इसके अंदर लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। डीजल फ्यूल इस गाड़ी के अंदर यूज किया जाता है। दोस्तों इसकी अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो ये गाड़ी आपको लगभग, बेसिक जो मॉडल है इसके हम रिव्यू बना रहे हैं, ये लगभग आपको एक्स शोरूम 9 लाख से स्टार्ट इसकी प्राइस स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको अगर लग्जरियस वे में देखा जाए तो बाकी लग्जरी जैसी कोई चीज़ तो नहीं मिलती है, लेकिन काफ़ी सॉलिड बेस इस गाड़ी को बनाया गया है, जहां पर आपको मैकेनिकल आपको स्टेयरिंग मिलता है। साथ ही आपको डैशबोर्ड पर देखें तो हमें काफ़ी सारे यूटिलिटी स्पेस के साथ में एक ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, जो कि लॉकेबल होता है। मोबाइल चार्जिंग और हजार्ड लाइट वगैरह जैसी आपको फैसिलिटी यहां पे देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसके अंदर आपको लेग स्पेस काफ़ी मिलता है, क्योंकि ये जो गाड़ी है एक पैसेंजर व्हीकल है, तो इसलिए इसके अंदर लेग स्पेस जैसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर अगर हम पैसेंजर्स की बात करें तो लगभग 11+1 यानी कि लगभग 12 लोगों की इसके अंदर बैठने की व्यवस्था हो जाती है, और एक दो पैसेंजर को आप एडजस्ट करके और भी एक्स्ट्रा बैठा सकते हो। दोस्तों इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर आपको एनालॉग रूप से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन शो होती है, जैसे कि आपका स्पीडोमीटर है और इंजन टेम्परेचर है और फ्यूल गेज जैसी कुछ बेसिक चीज़ें इसके अंदर आपको शो हो जाती हैं। और इसका स्टेयरिंग जो आपको मिलता है दोस्तों, वो पावर स्टेयरिंग इसके अंदर नहीं मिलता है, एक नॉर्मल स्टेयरिंग आपको इसके अंदर मिल जाता है। साथ ही सनवाइजर जैसी चीज़ आपको इसके अंदर ज़रूर मिल जाती है। दोस्तों इस गाड़ी के अगर हम व्हील बेस की बात करें तो यहाँ पे हमें 3050 mm का काफ़ी बड़ा सारा व्हील बेस मिल जाता है, और ओवरऑल जो इसकी लंबाई मिलती है वो हमें 4832 mm की मिलती है। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो लगभग 1790 mm की इसकी चौड़ाई होती है। साथ ही दोस्तों इसकी सीट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी सीट जो है वो अच्छी कुशन और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ में आती हैं, और काफ़ी वाइड इसकी सीटें हैं, जहाँ पर कि आपको बैठने की कभी कोई समस्या नहीं होने वाली है। और दोस्तों इसके अगर हम सस्पेंशन के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको जो सस्पेंशन मिलता है वो फ्रंट में इंडिपेंडेंट विद सॉलिड टॉर्शन बार, हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर एंड एंटी रोल बार सस्पेंशन मिल जाता है। और रियर के अंदर आपको जो सस्पेंशन मिलता है वो सेमी एलिप्टिकल 2-स्टेज लीफ स्प्रिंग विद हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन आपको रियर में मिल जाता है। दोस्तों इस व्हीकल के अंदर आपको ABS जैसी फैसिलिटी जो है वो ऑप्शनली मिलने का प्रोविजन हो जाता है। दोस्तों अगर हम ब्रेक्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, और रियर में आपको इसके अंदर ड्रम ब्रेक जैसी फैसिलिटी मिल जाती है। तो दोस्तों सीटिंग जो लेआउट है यहाँ पे 3x3 का दिया गया है, यानी कि 3 लोग आपको एक सीट पे बैठने की व्यवस्था होती है। साथ ही दोस्तों अगर पीछे की सीट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी 3x3 6 लोग बैठ सकते हैं। साथ ही उनकी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए यहाँ पर ऊपर की साइड में आपको ग्रैब हैंडल्स जैसी चीज़ें मिल जाती हैं। दोस्तों काफ़ी अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस वाली ये गाड़ी है, 210 mm का हमें यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और ग्रॉस व्हीकल वेट की बात करें तो ये लगभग 2875 के ग्रॉस व्हीकल वेट के अंदर ये गाड़ी आती है। और दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको बाकी अगर फीचर्स की बात करें तो एयर कंडीशन वगैरह जैसा तो नहीं मिलता है, लेकिन आप ऑप्शनली उसको लगा सकते हैं। आपको साइड विंडो, इमरजेंसी एग्जिट, इमरजेंसी स्टार्ट, फर्स्ट एड किट और लाइट्स वगैरह, लगेज बूट वगैरह, इस तरह की कुछ चीज़ें ज़रूर मिल जाती हैं। साथ ही आपको इसके अंदर जो आपका स्पेयर व्हील है वो पीछे के गेट पर यानी कि पीछे वाले डोर पर माउंटेड मिलता है। इस गाड़ी के अंदर आपको 5 डोर मिलते हैं दोस्तों। तो इस तरह का ये छोटा सा एक रिव्यू था दोस्तों। काफ़ी कम समय के अंदर मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस को कवर करने की कोशिश की है। अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए इस गाड़ी को लेना चाहते हैं तो काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट और काफ़ी ड्यूरेबल गाड़ी है फोर्स मोटर का तूफान जो व्हीकल है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, ताकि मैं आपके किसी और फरमाइश को पूरा कर सकूँ। तो आज के लिए इतना दोस्तों, कल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।